2013 के टाइम पे गूगल ने कुछ इस टाइप का एक गूगल क्लासेस लॉन्च किया था, जो कि उस टाइम जो ट्रेंड में आई थी, फिर वो समय के साथ पूरी बंसी हो गई, उसके बाद से वो कभी दिखी नहीं। तो कहाँ गया ये, क्यों फेल हुआ ये गूगल क्लास, इसके बारे में स्टूडियो पूरी जानेंगे। जो मेरे उम्र की खासकर लड़के खासकर इंटरप्रीनरशिप करनी है उनके लिए ये जो नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ ये बहुत काम आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। पहले जान लेते हैं कि आखिर गूगल क्लास था क्या, क्या कंसेप्ट था। तो ये गूगल क्लास एक क्लास था जिसमें आप मल्टीटास्किंग चीजें कर सकते थे। मैं बेसिक क्या समझ लो कि आपका जो मोबाइल था, जो मोबाइल के स्क्रीन होते हैं वो आपको चश्मा पहनते हैं, आपके चश्मे में दिखने लग जाते हैं, बल्कि आपको चश्मे से ही दिखने लग जाते हैं। तो आप इसमें से कभी भी वो हर चीजें कर सकते थे जो मोबाइल में कर सकते हो, और आप मोबाइल पकड़ने चलाने की जरूरत नहीं, आप चश्मे से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते, और साथ में आप कभी भी किसी भी चीज को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बस कैमरा लगा होता था यहाँ पर, तो उससे आप कभी कहीं कहीं भी आ रहे हो, जो भी देख रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते थे और फोटो भी क्लिक कर सकते थे। पर इन्हीं सभी कारण से इसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स बहुत सारे नेशंस के जो गवर्नमेंट थे वो इन्हें बैन करना, सिक्योरिटीज ने देखे इसे बैन करना शुरू कर दिया था। सुनने बहुत कुल लगता है पर इसी उनके इन्हीं सभी कारण से ये फ्लॉप भी हुआ। गूगल ने इसका प्राइस कितना रखा था, गूगल ने इसका प्राइस रखा था $1500, मतलब लगभग 1,10,000 रुपये, सुन लो इंडियन रुपीज में 1,10,000 रुपये इन्होंने इसका प्राइस रखा था, जो कि मतलब कि आजकल बहुत सारे प्रीमियम मोबाइल जो हाईली प्रीमियम है उनके रेट्स हैं। तो मैंने बेसिकली जो अमीर है, जिन्हें कूल दिखना है, जिन्हें दिखावा करना है, उन टाइप के लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। तो आखिर ये फेल कैसे हुआ, मतलब इतना कूल होने के बाद भी ये फेल कैसे हो गया, इसे ये बहुत एडवांस लग रहा था सुनने में, इतना कूल लग रहा था, फिर ये फेल क्यों हुआ। तो देखो मार्केट में कोई भी चीज़ आती है तो मैं किसी कहना तो बहुत सारे बता सकते हैं, आप पढ़ सकते हो बहुत सारे इसके आर्टिकल्स वगैरह, तो पर मैं अपने जो मेन जो कारण मुझे जो लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। कोई भी जगह जब मार्केट में आती है तो उसका एक रीज़न होता है, मतलब कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, क्या उसकी लोगों को जरूरत है। पीपल तभी कुछ चीज़ यूज़ करते हैं जब उनको जो नीड होती है। क्या गूगल क्लास की लोगों को नीड थी, क्या मोबाइल से काम नहीं हो रहा था। और सबसे दूसरी बात है कि सिंपलनेस, क्योंकि लोगों को क्या पसंद है, सिंपल आसान चीज़ लोग करेंगे और दुनिया आसान चीज़ करना चाहती है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड बना के कोई अलग से होने वाला है। तो पहली बात तो ये हम मोबाइल चला के नॉर्मल सब सिंपल कर रहे थे, तो गूगल क्लास की तो पहले कोई नीड थी नहीं। सबसे पहले ये कुछ लोगों को बस जो आंटीज दिखाने वाले दिखावा करने वाली जो आंटीज होती है उनके लिए कूल, अपने बच्चे को दिला देंगे टॉय है ये दिखावा करने के लिए, इन टाइप लोगों का था, पर ये ज्यादा होते नहीं है। तो हाँ इसमें बहुत सारे कुछ अच्छे फीचर्स थे जो कि अच्छे लग रहे थे, बहुत कूल लग रहे थे, पर ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने थे, और ऐसी कोई एकदम नीड सी नहीं थी। इसे हम लोग एक 3D चश्मे के एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आज बीच में भी 3D मूवीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई थी, लोग चश्मे पहन के फुल मूवीज देख रहे थे, पर टाइम के साथ अभी अगर देखें तो फिर से लोग नॉर्मल 2D मूवीज में आ गए, जो कि लोग 2D वापस स्क्रीन में देखने शुरू कर दिए हैं। ऐसे एक 3D TVs भी आए थे, पर ये भी पूरा फ्लॉप हुआ था, क्योंकि लोगों को चाहिए सिंपल चीज़ें, कौन चश्मे पहन के अपने मतलब कि इतना तामझाम करके एक देखने के लिए इतना तामझाम करे, तो आप डायरेक्ट TV ऑन करो और देखो ये सब सिंपल, तो लोग सिंपल चीज़ें में रहना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करना चाहते। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, और अगर हम अभी देखें तो क्या है, मतलब कि 3D से बस 3D से सिर्फ रहता है, एक दो बार लोग ट्राई भी कर लेते हैं, पर देखें तो ज़्यादातर लोग सिंपल में ही रहना चाहते हैं। और ये 3D TVs में हम देखें तो ये चश्मे पहन के मतलब कि आँख खराब होने की ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती थी, सुनने की इसका कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया नहीं आगे, इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो आखिर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती थी, आपको डैमेज भी हो सकता था। सेम ऐसे गूगल क्लास में भी हो सकता था, आपको ज्यादा लोगों ने इसे ट्राई किया नहीं तो वैसे ही इसकी साइड इफेक्ट्स पता भी नहीं चली। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलती है, अपने को सीखने को मिलती है कि हम कुछ भी चीज़ दें, मतलब कुछ भी बिजनेस और कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ करें जो लोगों को नीड हो, जो सब जरूरी चीज़ें, जैसे कि जो लोग कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ों का अगर आप रिलेटेड बिजनेस हो और जो इन चीज़ों फील्ड में जिनको नीड है तो ये चीज लोगों को जरूरत होगी, तो इसकी बिजनेस जरूर काम करेंगे। और तो ट्राई करो कि आप भी अपने अगर करियर में बिजनेस अगर आप इंटरप्रेनशिप करना चाहते हो तो कुछ ऐसे चीज प्रोवाइड करो जो कि लोग नीड होती है, जो लोग सच में यूज करेंगे, और मैं ट्राई करो कि ये सिंपल हो, इजी हो यूज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी गूगल क्लास क्यों फिर हुआ, और क्यों और क्या चीज हमें मार्केट में क्या चीज लोगों को पसंद है और क्या चीज लोगों को अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, stay tuned. बस आपकी प्यार की जरूरत है।